आप बने रहे हो हमारे वीडियो के साथ। आज हमने एक नया व्लॉग स्टार्ट किया है और जिसपे हमें एमपी के और बाकी स्टेट्स के गेस्ट मिले हुए हैं। गाइज आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर। हेलो गाइज, आज हमें मेहमान मिले हैं। कहाँ से हो भाई आप? नमस्कार साथियों, जबलपुर। मैं अनुरोध काले मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ अपने दोस्तों के साथ में। बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ढाबा राजा ढाबा पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पर अभी हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। शानदार मैगी बनाई हुई है भैया ने, मसालेदार मैगी है। चाय भी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। अब भाई साहब गणेश कुछ कहेंगे। आपका पहला टूर है कश्मीर में? या इट वॉज अ टोटली वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस इन कश्मीर एंड इट्स बीन अ ग्रेट ट्रिप फॉर ऑल ऑफ अस एंड राजा ढाबा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टे फॉर द ट्रिप्स। सो आप लोग बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि जो आपके एमपी से अभी कश्मीर नहीं आए, जो अभी भी कहते हैं आज जाए कल जाए, आपकी एक्सपीरियंस क्या है कि क्या? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी सोचते हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है या फिर जाएं कि ना जाएं, ठंड ज़्यादा है कुछ भी, आप एक बार आइए, आपको परफेक्ट फील आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये, बिल्कुल स्वर्ग जैसे है। आज आप सोच नहीं रहे हो कि काश इससे छोटी उम्र में भी आए होते तो कुछ अलग ही मज़ा आता? जी मैं तो ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे हम लोग रह रहे होते तो हम लोग का क्या रहन सहन होता, क्या लाइफ होती हम लोग की। बहुत ही एंजॉय करते हैं हम लोग इस चीज़ को। माशाल्लाह जन्नत है कश्मीर, जन्नत जन्नत में, जन्नत में। ठीक है, आप लोग की परमिशन है वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पेज पे? हेलो गाइज, ये सिंध रिवर के किनारे में हमारे मेहमान बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं। मेहमान गुड़गांव से आए हैं, हरियाणा से, और इनसे ही पूछते हैं इनको कैसा लगा कश्मीर आके। कोलकाता बोलिए। कोलकाता से? तू ही बंगाली? ए दादा बाड़ी कौन से? कोलकाता बंगाली जी भाई, कुछ बोलना चाहते हो में कश्मीर में आने के बारे में? कश्मीर में बहुत सुंदर लग रहा है। बंगला में बोलिए ना, कैसा लगा आपको ये कश्मीर? हाँ बंगाली में बोलो। ले गए जे खूब फल ले गए जे। और आपका चाय और भी मस्त चाय। आप लोग की परमिशन है यूट्यूब पे अपलोड करने की? हाँ। गाइस ये हमारे मेहमान थे और जिनसे हम अभी वीडियो बना रहे थे। और अभी अगर आपसे कहेंगे तो आजकल चिल्ला कलान चल रहा है। ये भाई भी आए हैं बर्फ देखने, लेकिन आज बर्फ इन्होंने इस बार देखा नहीं। मैडम ने ताज नदी से निकाल के लाया है, ये तो अभी ये पार्सल करके इनके लिए भेजेंगे। बाकी कहना तो क्या है कि वास्तव में जैसा सुना था कश्मीर, वादी कश्मीर के बारे में लोग भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे व्यवहार है, प्रोग्रेसिव लोग हैं ये। थैंक यू। इनको बर्फ देना, ये वाली आपने जो ले रखी है पता नहीं क्या ताज है, कश्मीरी ताज है ये। बताओ बेटा कैसा लगा बर्फ लेके हाथ में? अच्छा लगा? बताओ क्या लगा? अच्छा लगा। बोलो छोटे बच्चों को आना चाहिए कश्मीर। फिर से बोलो। छोटे बच्चे को कश्मीर आना चाहिए। छोटे बच्चे को कश्मीर आना चाहिए। और अंकल मैगी अच्छी बनाते हैं। अंकल मैगी अच्छी बनाते। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हमारे साथ मेहमान मिले हुए हैं जो इस वक्त गुजराती स्टाइल थाली खा रहे हैं। ये हमारे मेहमान हैं। भैया कहाँ से आप लोग? बिहार से, बेगूसराय से, बिहार। तो क्या नाम है भाई का? नन्नू कुमार। पहली बार कश्मीर आई हो? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तो खाना कैसा है? ये नालाए सिंध के किनारे खा रहे हैं जो श्री भोले बाबा के पवित्र चरणों से आ रही है रिवर। ये दाल मखनी इन्होंने खाई है और शाही पनीर है। इनके आइटम्स देखो आपकी क्या क्या रखा है इनके लिए। गाइज आप भी आओगे तो कोई बात नहीं है, डिस्काउंट देते हैं हम। इनको भी हमने डिस्काउंट दिया है, लेकिन सबसे पहले कश्मीर आओ, उसके बाद राजा ढाबा पे आप आ सकते हो। भजन आपकी परमिशन है वीडियो अपलोड करने की? ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। बने रहे हमारे साथ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।